गाइस, विंडोज़ में एक चीज़ बहुत ही अनोइंग लगती है, जब भी आप अपने वाईफाई को कनेक्ट करने जाते हो अपने लैपटॉप या पीसी से, तो बहुत टाइम आपको एक मैसेज, एरर मैसेज आता है कि कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि करूँ क्या, आपको काम करना है, वाईफाई की ज़रूरत है, हो सकता है कि कुछ आपको देखना हो, समझ रहे हो हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको अगर सेम प्रॉब्लम आ रही है वाईफाई कनेक्ट करने में, तो जो स्टेप्स तुम्हें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसको अप्लाई करो और तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना यार, कि जहाँ से भी तुम वाईफाई को कनेक्ट कर रहे हो, मतलब जिस डिवाइस से, वो मेक श्योर कर लेना कि वो तुम्हारे राउटर के पास काफ़ी क्लोज हो, ठीक है। अगर आप बहुत दूरी पे हो तब भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है और कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क का एरर मैसेज आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लो पहले। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप या पीसी को कोशिश करो कि अपने राउटर से क्लोज रखो, ठीक है। अगर यहाँ से भी काम नहीं बनता है तो नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, अपने विंडो सर्च पे क्लिक करो और टाइप करो ncpa.cpl, एंटर करो। अब यहाँ पे जितने भी नेटवर्क कनेक्शन है वो तुम्हें यहाँ पे शो करेंगे। तुम्हें ढूंढना है वाईफाई कनेक्शन जिसके साथ तुम्हें प्रॉब्लम है। वहाँ पे आने के बाद तुम्हें इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, एक नया बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस। तो हम इस DNS को यूज़ करते हैं गूगल या क्लाउड फ्लेयर को, ताकि हमें और बेहतर इंटरनेट कनेक्शन मिल सके। लेकिन कभी कदार ये प्रॉब्लम कर सकता है, तो तुम्हें पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, ऑप्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। सेम तुम्हें यहाँ पे भी मेक श्योर करना है कि ये जो पहला ऑप्शन है ऑप्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये ऑप्शन तुम्हारा सिलेक्टेड हो रखा है, ठीक है। उसके बाद तुम ओके पे क्लिक कर दो, फिर तुम्हें क्लिक करना है कॉन्फिगर पे और येस पे। दूसरा बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे टॉप मेन्यू ऑप्शन में तुम्हें क्लिक करना है एडवांस्ड पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन तुम्हें देखना है रोमिंग एग्रेसिवनेस। अब ये क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हें दिखेगी, अगर यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ, अगर ये लोवेस्ट सेट हो रखा है तो तुम्हें बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत ही अच्छा सिग्नल मिलेगा, लेकिन तभी जब आप अपने राउटर के बहुत क्लोज हो। लेकिन अगर मान लो आप राउटर से बहुत दूर हो और यहाँ पे लोवेस्ट पे सिलेक्टेड है, तो तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा राउटर ना ही बहुत ज़्यादा करीब है ना ही बहुत ज़्यादा दूर है, तो तुम एक बार यहाँ पे मीडियम लो को सिलेक्ट कर लो और ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। इतना होने के बाद दोबारा से वाईफाई वाला ऑप्शन आएगा, इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ तुम्हें सिलेक्ट करना है डिसेबल, डिसेबल पे क्लिक करो, दोबारा से राइट क्लिक करो और इनेबल कर दो, ठीक है। इतना करने के बाद दोबारा तुम चेक करो कि क्या तुम्हारा पीसी या लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इनकेस अभी भी नहीं होता है, तो यहाँ पे आने के बाद दोबारा से इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें ड्राइवर वाला टैब मिलेगा टॉप पे, इस पर क्लिक करो, अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करो और यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर, और यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन तुम्हें मिलेगा या सेकंड लास्ट, उन ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो और इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लो। इतना करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करो और चेक करो, आई एम प्रेटी श्योर तुम्हारा यहाँ पे इश्यू जो है रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं होता है तो नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, ये सब क्लोज करो, विंडो सर्च पे दोबारा से क्लिक करो, टाइप करो CMD, कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करो, चूज करो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ब्लैक विंडो ओपन होगा, यहाँ पे कमांड तुम्हें टाइप करनी है ipconfig /flush dns, एंटर करो और नेक्स्ट कमांड है netsh winsock reset, एंटर करो। अब इतना करने के बाद अपने सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट करो, अपने राउटर को रीस्टार्ट करो और कनेक्ट करने की कोशिश करो, आई एम प्रेटी श्योर तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली ये सारे सोल्यूशन तुम्हें हेल्प करेंगे इस इशू को रिजॉल्व करने में, और अगर इशू रिजॉल्व होता है तो बिना लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कोई प्रॉब्लम आती है अभी भी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।